मैहर जिले में बेमौसम बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गया। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े पति पत्नी पर बिजली गिर गई, जिससे पति की मौत हो गई और पत्नी बुरी तरह जख्मी हो गई। बेमौसम तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जिले के कई गेहूं खरीदी केंद्रों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। किसानों के लिए यह बारिश आफत की बारिश साबित हुई है। अमरपाटन में बारिश से बचने पेड़ के नीचे छिपे पति पत्नी के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। इस घटना में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घटना अमरपाटन थाना क्षेत्र के लंका मैदान के पास की है। खेत की रखवाली कर रहे दसई लाल और उसकी पत्नी बैठे हुए थे, इसी दौरान बारिश होने लगी और बारिश से बचने के लिए दोनों पति पत्नी आम के पेड़ के नीचे जाकर छुप गए। इसी दौरान इस आम के पेड़ पर बिजली गिरी। अकस्मात बिजली गिरने की घटना हुई है, आकाशीय बिजली गिरी है। इस कारण से हमारे बस्ती में दसई कोल, भैया लाल कोल, पिता मिखा कोल की अकस्मात मृत्यु हो गई है। ये यहाँ पे छुप रहे थे, पानी गिरने लगा था एक तो यहीं आम के पेड़ के पास छिपे थे, अचानक अकस्मात बिजली गिरी, आकाशीय बिजली। हमें मिली जानकारी के अनुसार गांव के कुछ परिजन लोग दो व्यक्ति को लेके आए थे, उसमें से एक दोनों पति पत्नी बताए जा रहे थे। तो जो पति थे उनका नाम था दसई कोल, जिनको वो ऑन द स्पॉट घर परिजनों के द्वारा बताया गया कि वो डेड थे। हमने उनको एग्जामिन किया तो वो ऑलरेडी मृतक उनको घोषित किया। एग्जामिन करने के बाद जो उनके साथ उनकी पत्नी थी उनको हमने देखा, वो अभी उनकी हालत सामान्य थी, उनका उपचार चल रहा है और वो अभी खतरे से बाहर हैं। जो हमें जानकारी मिली है वो उनका घर है आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।